हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम जॉन मिल्टन को थोड़ा देखेंगे, उनके विषय में कुछ जानकारी लेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर पूछते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में राइटर के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका बर्थ देखते हैं। बर्थ हुआ 9 दिसंबर 1608 में, ब्रेड स्ट्रीट, चीपसाइड, लंदन। डेथ की बात करें तो 8 नवंबर 1674 में इनकी डेथ होती है, और बनहिल लंदन में, इंग्लैंड में इनकी डेथ हो गई। रेस्टिंग प्लेस अगर हम कहें मिल्टन का, तो सेंट गिल्स विदाउट क्रिपल गेट करके एक जगह है जहाँ पे इनको बरी किया गया, इनका रेस्टिंग प्लेस है। ऑक्यूपेशन की बात करें तो पोएट हैं, प्रोज हैं, और पोलेमिसिस्ट हैं, सिविल सर्वेंट हैं। अब व्हाट इज़ पोलेमिसिस्ट? ये ऐसे लोग होते हैं जो कि रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों में कंसर्न रखते हैं, पॉलेमिक कहा जाता है उनको। तो मिल्टन का अगर हम आप लाइफ स्पैन देखोगे तो वो इस पर्टिकुलर फील्ड से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। लैंग्वेज वो काफ़ी ज़्यादा जानते थे, इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, डच, ग्रीक, हिब्रू, इटालियन, स्पेनिश, एरेमिक, सीरियक, तो ये सारी लैंग्वेज मिल्टन को पता थी। अब अगर विलियम हेलेज की बात करें, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में कहा है द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर, मिल्टन को कहा है। और एज ए प्रोटेस्टेंट जो मिल्टन थे, उनका ऐसा मानना था कि इंडिविजुअल रीडर शुड इंटरप्रेट द बाइबल। प्रोटेस्टेंट वो लोग होते हैं जो बहुत ही कट्टर हुए रिलीजन को लेके, और वो कैथोलिक धर्म से जो लोग बिलोंग करते थे, उनके आइडियोलॉजीज से ये काफ़ी ज़्यादा मतलब नाखुश थे, और इन्होंने ऐसा मतलब उनके सारे रिचुअल्स को इन्होंने दरकिनार किया। तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन, रिफॉर्मर्स के तरीके से ये निकल के आए, तो दे आर प्रोटेस्टेंट। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इनको और डिटेल में देखेंगे। तो फिर जो एट्थ पॉइंट है मिल्टन के बारे में, कि इन 1628 मिल्टन ने अपनी पहली मेजर इंग्लिश पोएम लिखी, ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ अ कफ। ये उनकी सिस्टर का बच्चा, उसके डेथ के ऊपर इन्होंने ये लिखा था। फिर 1629 में मिल्टन ने लिखा ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये ओड है, और इसको इन्होंने लिखा 1629 में। पब्लिश हुआ पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन करके एक जो बुक आई, उसमें 1645 में पब्लिश हुई। और इसमें इस पर्टिकुलर जो ओड है, इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है क्राइस्ट इनकारनेशन एंड इज ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड पेगन पावर्स, और उनके क्रूसीफिकेशन को भी इसमें इन्होंने शो किया है। अब हिज पोएम रिटन ड्यूरिंग द हॉटन पीरियड। व्हाट इज हॉटन पीरियड? हॉटन पीरियड मतलब जब 1635 में मिल्टन हॉटन बकिंघम शायर में मूव किए, और वहाँ पे उन्होंने ग्रीक, इटालियन, लैटिन जैसी भाषा पढ़ी, तो उस ड्यूरिंग उन्होंने जो लिखा था 1635 के आसपास, मतलब के आसपास, तो वो हॉटन पीरियड, मिल्टन को हॉटन पीरियड कहा जाता है जब वो हॉटन मूव करते हैं। तो इस समय उन्होंने एल एलिग्रो, एल पेन से रेसो करके दो वर्क लिखा, 1633 और 32 बोला जाता है इसी के लमसम। कामस लिखा 1634 में, और लिसिडस 1637 में। ये तीन इनके हॉटन पीरियड के वर्क माने जाते हैं। एल एलिग्रो एक पेस्टोरल पोएम है, और एल एलिग्रो का मतलब होता है द हैप्पी मैन, एल पेंसरोसो का मतलब होता है द सीरियस मैन। ये ऑक्टासिलेबिक कपलेट में लिखा गया है। देन कामस की बात करें तो ये एक मास्क है, इसकी ओरिजिनल टाइटल थी अ मास्क प्रेजेंटेड एट ल्यूडलो कैसल, 1634 में लिखा गया। ये एक मास्क है इन द ऑनर ऑफ चेस्टिटी, इट इज़ अ कैरोलाइन मास्क इन ब्लैंक वर्ड्स। मास्क क्या होता है? जैसे कठपुतलियों का यहाँ प्रोग्राम होता, मतलब जो कठपुतलियों का जो नाटक होता है राजस्थान एरिया में, उसी तरीके का होता है मास्क। देन 1637 की बात करें तो मिल्टन ने लिसिडस लिखा, पेस्टोरल एलिजी लिखी, और ये इन्होंने मोनोडी है, ये एक मतलब डेथ, मिल्टन के फ्रेंड एडवर्ड किंग जिनकी आयरिश सी में डूबने की वजह से मौत हो गई थी, तो उनके डेथ को मोन किया है इसमें, उन्होंने उनके डेथ के ऊपर ये लिखा है। ये एक तरीके की पेस्टोरल एलिजी है, 1637 में मिल्टन ने इसको लिखा था। फिर व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये पोएम का मतलब नाम है, सोनेट है, और इसको इन्होंने लिखा 1652 में, और इसको कॉमनली कहा जाता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस।
चूंकि ये एक सोनेट है, लेकिन ऑन हिज ब्लाइंडनेस कभी मिल्टन ने इसका नाम नहीं दिया था। इस पर्टिकुलर वर्क का नाम व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट करके ही है, ये एक सोनेट है। तो इसको 1652 में लिखा। फिर ऑन द लेट मास्कार इन पेडामाउंट, ये भी एक सोनेट है मिल्टन का, जो कि इंस्पायर है मास्कार ऑफ वेल्डन शीन में इन पेडामाउंट में, इसको 1655 में लिखा था। फिर 1667 में पैराडाइज लॉस्ट लिखा मिल्टन ने, ये एक एपिक पोयम है जिसको कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया। और मिल्टन का जो पीरियड एज ए कहा जाए तो ये 17th सेंचुरी के पोएट कहे जाते हैं। और इसमें जो फर्स्ट एडिशन आया इसमें पैराडाइज लॉस्ट की 10 बुक आई, और जो सेकंड एडिशन आया 1674 में तो उसमें इन्होंने मतलब पूरा 12 किताबें आई थी। तो अगर पैराडाइज लॉस्ट पूछा जाए तो दैट इज़ इन 12 बुक्स। तो फर्स्ट एडिशन में 10 बुक थी, सेकंड एडिशन में पूरी 12 बुक थी। अब 1671 में पैराडाइज रिगेन्ड आया और ये 4 बुक है, 4 किताबें हैं इसमें। फिर 1671 में ही सैमसन एगोनिस्टस आया करके, इट इज़ अ ट्रेजिक क्लोज्ड ड्रामा, और ये ग्रीक ट्रेजेडी पे है जिसमें कि फिलिस्टीन्स के डेथ के, प्रिजनर ऑफ फिलिस्टीन्स के डेथ के ऊपर इन्होंने लिखा है। अब अगर प्रोज वर्क देखें मिल्टन का तो एक है एरोपेगिटिशिया, 1644 में आया। ये एक पैम्पलेट है जिसमें कि लिबर्टी ऑफ प्रेस के विषय में लिखा है उन्होंने, प्रेस के फ्रीडम के बारे में बात किया है। और ऑन डिवोर्स करके आया इनका 1644 में, जब इनकी वाइफ ने, फर्स्ट वाइफ ने इनको छोड़ दिया था, इन्होंने 2 शादियाँ की थी। फिर ऑन एडुकेशन की बात करें तो 1644 में आया, ये भी एक पैम्पलेट है जब ये पढ़ा रहे थे उस समय का। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन करके भी इन्होंने लिखा, लेकिन ये पार्टली कंप्लीट है। अब इनको कहा जाता है कि ये ब्लाइंड हो गए थे, कहा क्या जाता है ब्लाइंड हो गए थे। और ब्लाइंड ऐसा कभी कभी पूछ देता है कि पैराडाइज लॉस्ट लिखने से पहले हुए थे कि बाद में हुए थे, तो नहीं, जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो उस समय ये ब्लाइंड थे। तो ही बिकम ब्लाइंड बिफोर ही स्टार्टेड राइटिंग द पैराडाइज लॉस्ट। फिर मिल्टन की पोइट्री के बारे में कुछ, मिल्टन के बारे में कुछ लोगों का जो स्टेटमेंट है उसमें से ये है कि मिल्टन्स पोइट्री इज़ अ माइनर सॉरी मिल्टन्स पोइट्री इज़ अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। ये किसने कहा है? ये मैकमिलन ने कहा है मिल्टन के को लेके। अगर मिल्टन का एज कहा जाए कि मिल्टन एज कहते हैं, जैसे शेक्सपियरियन एरा वैसे मिल्टन एरा, तो वो प्यूरिटन एज को ही कहते हैं। और वो जो फेज़ है एज ऑफ मिल्टन 1625 से 1660 के बीच में है। मिल्टन के फ्रेंड, इनको एक निकनेम दिया था मिल्टन के फ्रेंड्स ने इनको द लेडी ऑफ क्राइस्ट करके, बिकॉज़ ही इज़ वेरी फेयर, ऐसा कहा जाता है। तो ये जब अंडर ग्रेजुएट मतलब में थे, ग्रेजुएशन में थे, तो इनके जो फेलो अंडर ग्रेजुएट्स थे वो इनको द लेडी ऑफ क्राइस्ट कह के बुलाते थे, तो ये इनका निकनेम था। फिर लैटिन एक वर्क है इनका डी डॉक्ट्रीन क्रिस्टियाना, तो ये भी एक इनका वर्क है, मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। फिर टेनिसन ने कहा मिल्टन को कि गॉड गिफ्टेड वॉइस ऑफ ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये टेनिसन ने कहा है मिल्टन के बारे में। मिल्टन ने अपने आप अपना मास्टर किसको माना, ठीक है, किसको उन्होंने अपना पोइट्री का मास्टर कहा है? तो मिल्टन कंसिडर एडमंड स्पेंसर हिज मास्टर इन पोइट्री। और उनकी एक वर्क थी ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, ये करके एक इनका वर्क था ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। ये जो वर्क है इसमें इन्होंने एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, जो कि 1649 में किया गया इनका किंग चार्ल्स वन का एग्जीक्यूशन, उसमें इन्होंने सपोर्ट किया है इस वर्क में एग्जीक्यूशन को। और इसी वजह से क्रॉमवेल जो थे ये काफ़ी ज़्यादा इनसे प्रभावित हुए थे और इनको सिविल सर्वेंट जैसे या कुछ और भी हायर पद इनको दे दिया था। तो ये सारी विषय, ये सारे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारियां हैं मिल्टन के बारे में। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।